बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज 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 विराजमान हो जाइए. अच्छा यहाँ पे किस किस को भूतों से डर लगता है? किसी को नहीं लगता. किसी को तो लगता होगा यार. नहीं मेरे को बड़ा लगता है. हाँ मैं तो जब घर में अकेला रहूँ ना तो मैं आईने के सामने बैठ जाता हूँ कि कम से कम दो आदमी तो रहे. मेरे को सीरियसली बड़ा डर लगता है. अच्छा वैसे इंसान का कभी ना कभी किसी ना किसी भूत से पाला जरूर पड़ता है या कोई ना कोई किस्सा होता है. अच्छा आपका कोई किस्सा है? ऐसा कोई खास तो नहीं है. एक मुझे भूत मिला था. अच्छा? वो कह रहा था मेरे पास एक अर्चना जी का किस्सा है. ओ, अच्छा? हाँ. बोला था मैं अपनी वाइफ के साथ कहता मडल एंड घूम रहा था. ओ. सामने से अर्चना जी हंसती हुई दिखाई दी. कहता मैंने कहा हम तो पहले मरे हैं और कितना मारोगे हमें. हाँ अच्छा भूत का नाम लेके ना माँ बाप बच्चों को बड़ा डराते थे पहले. पहले कहते थे ना बेटा सो जाओ भूत आ जाएगा. ये 2021 वाले बच्चे बड़े शाने हो गए. उनको बोलो ना कि भूत आ जाएगा सो जाओ. वो नहीं सोता. उसको पता है भूत भूत कोई नहीं आएगा. मैं सो गया अगले साल एक छोटा भूत जरूर आ जाएगा. बच्चे बड़े तेज हैं. और ये जो फिल्मी भूत होते हैं ना सफेद बालों वाले खून निकला हो, इन्होंने हमारे बच्चों को इतना डरा दिया था कि कई बच्चे तो मैं खुद की बात कर रहा हूँ बचपन में हम लोग बिना माँ बाप के बाथरूम में नहीं जाते थे. हाँ सीरियसली. और कई बच्चे तो इतना डरते थे बेड पे खड़े होकर वहीं से कमोड़ पे निशाना लगा रहे होते. हाँ बच्चे बाप को लेके जाते पापा मैं चलो बेटा चलो आप भी चलो बेटा मेरे को नहीं आया मैं इधर ही कर दूंगा. फिर लेके गया ना तो बच्चा साथ साथ पीछे भी देखता रहा पापा इधर ही हो ना पापा. बच्चा करके जाने लगता बाप रोक लेता तेरी बारी मैं रुका था तो मेरी बारी में रुक जाना नहीं गया तो नहीं. आपने भूतों की फिल्मों में देखा होगा हीरोइन सो रही है तो सडनली उसकी चद्दर ऐसे खींचने लगती है. हीरोइन पकड़ती है क्या हुआ. ये पता नहीं किस तरीके के भूत होते हैं. हाँ, ये चद्दर खींचते हैं. हाँ. फिर जब चद्दर खींचते हैं इनको सडनली याद आता कि हमारी तो बॉडी है नहीं. हाँ. तो हम करेंगे क्या. फिर ऐसे भूत ना हमारी जो बॉलीवुड की भूतिया फिल्में होती हैं तो ये भूतनियां जो होती है ना डराने से ज्यादा ना एंजॉय कराने आती हैं. एक तो खूबसूरत बड़ी बना देते पहले. हाँ. वो जब उन्होंने गला काटना होता तब आती है करके. अदरवाइज तो पहले बड़ी खूबसूरत दिखती हैं और टाइम की बड़ी पंक्चुअल होती हैं. जैसे दोनों कांटे घड़ी पे 12 पे आए ना रात के 12 बजे एकदम से ऐसे प्रकट हो जाती हैं हाथ में मोमबत्ती लेके. साथ साथ में बुलाती भी रहती है अपने क्लाइंट. इतनी खूबसूरत भूतनियां दिखाते हैं ना कई तो बंदे खुद ही पहुंच जाते हैं ये मेरा कार्ड है मेरी वाइफ गई हुई है आपको चिमटना हो तो मोस्ट वेलकम. अच्छा जी आज मैं भूतों की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आज यहाँ पे फिल्म भूत पुलिस की स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है. सो प्लीज वेलकम जैकलिन फर्नांडिस यामी गौतम एंड मिस्टर सैफ अली खान. वो जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे तीनों मेहमानों के लिए. आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. आप दोनों बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं. थैंक यू. एंड यू आर लुकिंग किलर ब्रो. थैंक यू मैन. थैंक यू. अरे नमस्ते सिद्धू जी आपका आउटफिट चेंज हो गया आज आप लेडीज गाउन में. अच्छा ही टोल्ड मी टू से क्या बात. I said I don't want to say it. मेरी पहली फिल्म की थी साथ में. पहली फिल्म डेब्यू फिल्म में मैंने काम किया था. मैंने खुद बोला मैं कहा सैफ सर आपकी तो पहली फिल्म साथ में थी. कहते मेरी भी पहली फिल्म मेरी मम्मी जी की पहली फिल्म इनके साथ थी. Lovely to see you. Lovely to see you too. ये जॉन्डिस वाले चश्मे कहाँ से मिलते हैं सर? ये बड़े कमाल लग रहे हैं. पर नहीं. और जैकी तुम तो मेरी याद में मुझे लगता है सूखी गई हो. बड़ी शार्प हो गई और लुकिंग सो ब्यूटीफुल जैकी. थैंक यू. फ्लर्ट मत कर ज्यादा. शुरू किया इस फिल्म में इसने बहुत भूतों को पकड़ा है कहीं तुझे ना पकड़ ले. भूतों को पकड़ा. मेरे भी पड़ोसी मुझे प्यार से भूत ही कहते हैं. अच्छा यामी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी शादी हो गई. थैंक यू. हमने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखे आप बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों. यामी के हस्बैंड जो हैं बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं. आप सबने उरी फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म हुई आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया उस फिल्म को. थैंक यू. अच्छा ऐसे कमाल के डायरेक्टर हैं कि फिल्म तो उरी की फिल्म भी पूरी की साथ साथ में फैमिली भी पूरी की. अच्छा मैं तो ये बताइए कि ये जो उरी आप काम कर रही थी उसमें तो उसमें धर साहब ने आपको धर लिया था कि ये धरपकड़ आपने शुरू की. कैसे मतलब फिल्म के दौरान ही मुलाकात हुई आपकी. कमाल है कितने सीरियस रिलेशन को भी आप कैसे हंसी हंसी में मतलब कर देते हैं. मैं कहता हूँ हंसी मजाक में जिंदगी निकल जाए वही अच्छी है. सही बात है. शगुन दीजिए मेरा शगुन इकट्ठे करने आई हूँ यहाँ मैं. ये तभी पर्स पकड़ के रखा है. हाँ, पर्स पकड़ के रखा है समझ गए आपको. शगुन दीजिए.
मेरा तो अपनी शादी पे जो खर्चा हुआ है मैं लॉस में जा रहा हूँ अभी तक. मेरे अपने शगुन नहीं वापस आए. आपने मेरे को शगुन नहीं दिया. तूने वहां लिखा था नो शगुन नो फ्लावर्स नो पैसे. मैंने ये तो नहीं लिखा था ना कि दुल्हन का नेकलेस भी उतार लो. सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है. अच्छा मैं कभी सैफ सर को बताया नहीं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ. जब मैं कॉलेज पढ़ते थे, आपकी नई नई फिल्म आई थी पहचान, ओहो, तो मैं दो पोस्टर खरीद के लाया, तीन तीन रुपए के दो पोस्टर लाया था, लंबे लंबे बाल सैफ सर के और क्लीन शेव. तो पहचान फिल्म आपको याद है, आपका yes. वो गाना था ना. तो मेरे को ये पूछना था कि ये गाना तो ठीक है कि तू मेरे दिल में रहती है, ये क्या था? पता नहीं, बाथरूम जाना था शायद मुझे ऐसा लग रहा है. यामी एक बात आपसे पूछनी थी. आपकी शादी में सिर्फ 20 ही लोग थे जी, कि जहाँ 20 लोग खड़े थे वहाँ आपने शादी कर ली? मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली थी. अच्छा. और उनके भी इनफैक्ट मेरी जो नानी है वो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर थी जहाँ पे मेरी शादी हुई, हिमाचल okay. में ही. ओके okay. बट उन्होंने कहा कि लिसन जो प्रोटोकॉल है हम वही फॉलो करेंगे, आप शादी करो, आशीर्वाद मेरा यहीं से, हम यहीं से गाने गाएंगे घर में बैठ के, जो प्रोटोकॉल है लेट्स जस्ट मेंटेन दैट. एंड जब हमने शादी की थी हमने भी वो डिसाइड किया था कि सिर्फ एकदम क्लोज फैमिली को बुलाएंगे, लेकिन जो कपूर फैमिली जो है उनमें कम से कम 200 हैं क्लोज फैमिली में, तो थोड़ा वो पड़ गया. उनको क्लोज क्लोज भी आए तो 200 हो जाएंगे बिल्कुल. पर यामी ये मतलब ये सोची समझी साजिश थी कि कोरोना में शादी करेंगे खर्चा बचेगा ऐसा? नहीं एक्चुअली मुझे लगता है इसमें खर्चा ज्यादा है. क्यों? क्योंकि अब सब बोल रहे हैं कि अच्छा शादी में नहीं बुलाया तो हम जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हमें पार्टी चाहिए. आई थिंक उसमें ज्यादा खर्चा लग रहा है. तो आई थिंक यहीं पे सबको बोल देते हैं जो देख रहे हैं आपका शो, सब देखते हैं कि कहा सुनी माफ अगर किसी की. सब रिश्तेदारों को अगर आप नाराजगी है तो प्लीज माफ, हमें माफ कर दीजिए. आशीर्वाद दीजिए. मुझे बहुत डर लगता है लेकिन ये एक्सपेंसिव शादी से, यू नो, है ना. मेरे चार बच्चे हैं. मैं बहुत डर लग रहा है. आई थिंक सबको एक छोटी शादी करनी चाहिए. और नहीं बट वो तो खैर ये मजाक था. बट सच में अगर पैंडेमिक नहीं भी होता ऐसी शादी होती, ये बेस्ट है. एक्सीलेंट, बहुत अच्छी. आई एग्री. अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वैसे सब जानते ही हैं कि जैकलिन जो हैं ये पैदा बहरीन में हुई, घर इनका श्रीलंका में है. अच्छा. ननिहाल इनके जो हैं वो मलेशिया में है. पढ़ाई इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से करी, फिल्में इंडिया में कर रही हैं. तो फाइनली पूरी दुनिया घूमने के बाद आपको कब रियलाइज हुआ कि असली मजा कपिल शर्मा शो में ही है? I think the first time I came on the show was 2015. I think वही शो में हमने शादी किया ना. वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, चाहे नकली शादी थी. वो तो फोटो भी है मेरे पास. ये देखो सैफ सर, ये हमारी शादी हुई थी. बहुत इंटिमेट, बहुत इंटिमेट थी. पर वैसे जैकी देखो यामी की तो शादी हो चुकी है, सैफ सर भी शादीशुदा है. आपसे ही मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि आपका कल परसों एक हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद शादी का मन हो? एक हफ्ते बाद, दो साल बाद, डेढ़ साल बाद, ठीक है. तो लड़का कौन सी कंट्री का होना चाहिए? आई थिंक इंडिया से. कपिल इज अ वेरी हैप्पी मैन सडनली. तू फिर भी गिनती में नहीं आता है, तू परे हट. मैंने कुछ बोला? मैं तो ताली बजा रहा हूँ खुशी में कि वाह जैकलिन इंडिया में शादी करेगी. आप क्यों इतना जलती है मेरे से? तेरे से जलती नहीं हूँ मैं, गिन्नी की सहेली हूँ. हाँ बस, मैं गिन्नी की शुभ चिंतक हूँ. कितने पैसे लिए आपने उससे ये काम करने? अच्छा यामी, हमने कहीं सुना था किसी इंटरव्यू में या पता नहीं कहाँ पे कि यामी और आदित्य चाहते थे कि हम हनीमून पे अपनी फैमिली को साथ लेके जाएं. तो आपको किसी ने बताया नहीं कि फैमिली लेके नहीं जाते, वहां पे जाके बनाते हैं? आप जाए हनीमून पे या शादी करते फिल्मों में बिजी? शादी करते फिल्मों में बिजी, वो भी और मैं भी. दिस इज माय फिफ्थ फिल्म दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ सिंस शादी. एक्चुअली हम दोनों ही थोड़े एक जैसे ही हैं इस मामले में भी. हम बहुत बिलीव नहीं करते इसमें अगेन टू ईच और हनीमून और यहाँ जाना ही जाना है. ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर जाते हैं. और अगर जाते भी तो ये भी हम दोनों की शर्त थी दैट सब साथ में जाएंगे. मतलब ठीक है, इट्स नाइस ना, इट्स फन टू हैव फैमिली अराउंड. या Really? Yeah. Okay.
सैफ और कपिल, तुम दोनों के बेबी अभी अभी हुए हैं, हाँ जी। मैं तुम दोनों से जानना चाहती हूँ कि बच्चे के पालने के बारे में तुम दोनों कितना जानते हो, तो मेरे कुछ सवाल हैं। ओके, सो बोथ ऑफ यू, कपिल तू भी, बेबी को जब बर्प करना होता है हाँ, तो कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे ऐसे। कपिल तू बता, दूध पिलाया जब उसको, उसको कंधे पे लगा के ऐसे, यामी ऐसे, कीप वॉचिंग अभी आपको काम आएगा, तो ऐसे ऐसे करते हैं, फिर बेबी छोटा सा करता है, फिर ठीक है। आपको असली में करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपने बाप नहीं दिलवाया उसको, तो फिर वो जो उसने दूध पिया वो दही निकालेगा बाहर। हाँ, ये इट इज ट्रू। मैं काफी बाप करता हूँ। सो आई थिंक द बेबी लर्न्स फ्रॉम यू हाउ टू बाप। यस। ओके, सेकंड सवाल एक और है। उसको जब यू नो दैट बेबी फूड खिलाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा है खिलाते खिलाते तुमने एक आध खुद ही खा लिया हो कि बहुत टेस्टी है? कपिल ने तो किया होगा, तभी इसकी पेट ऐसे आ रहा है थोड़ा सा। बेबी फूड खा के पेट नहीं निकलता, पहली बात तो ये है। और ये आप वाली आते हैं हमारी नहीं, बच्चे का खाना खा जाओ, ऐसा होता है कभी? सर पता नहीं, मैं शुरू शुरू में मैंने किया होगा, मतलब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, लेकिन उसके बाद अभी जो न्यूएस्ट अराइवल के साथ, आई कांट, आई डोंट वांट टू ईट दिस बॉइल्ड एप्पल एंड ऑल। पर सैफ सर, वो जो बच्चों का वो पैकेट वाला दूध आता है ना, वो बड़ा टेस्टी होता है। मैं डार्क थोड़ा मुंह में जम जाता है, ऐसे ऐसे करके खाना पड़ता है, पर होता टेस्टी है। एक दिन में बच्चे के डायपर कितनी बार बदलने पड़ते हैं? 5 बार, उससे भी ज्यादा आई थिंक। न्यू बॉर्न बेबी है यार, 20 times आई थिंक। हाँ, 20 times हो सकता है। नहीं, मेरे मतलब डिपेंड करता है बच्चे की लिक्विड इनटेक कितना है, कितना दूध पी रहा है, दूध ही पीते हैं बच्चे, 7-8 बार, 8-9 बार। हाँ मतलब यार, कपिल तू तो मतलब गिन्नी ने अच्छा ट्रेन किया तुझे बच्चे की। गिन्नी ने क्या, मैंने खुद पाले दोनों बच्चे। हाँ, ऐसे कैसे? अच्छा, बच्चे का डायपर चेंज करना है और कब करना है, कैसे पता चलता है? बच्चा रोएगा। हाँ, दैट्स अ गुड वन। कपिल तू बता, और कोई? आजकल नए डायपर भी आ गए। नहीं, सुसु की स्मेल नहीं आती। बॉडी की स्मेल नहीं आती? आजकल नए वाले डायपर आ गए ना सर, बच्चों के वो एक लाइन होती है, वो ब्लू हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि डायपर चेंज करने का टाइम। वैसे भी 3-3 घंटे बाद बोलते हैं कि कर देना चाहिए। ये देखो मैं कितने विचार पेश कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। देखो जमाना कितना बदल गया, हम दो लड़के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, दो लड़कियां खामोश बैठी हैं यहाँ पे। But they don't have babies, ना? अच्छा, एक लास्ट सवाल कि बच्चे को सुलाने के लिए फेवरेट गाना या लोरी कौन सी सुनाता है? अरे अलग अलग गाने हैं। वो वाला बोलो ना, द नेशनल लोरी सॉन्ग, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। मैं गाता था एक गाना, एक समर टाइम नाम का एक इंग्लिश लालोबा है, और सारा बहुत छोटी थी उस टाइम पे। Okay. उसने आग खोल के बोला, अब्बा प्लीज डोंट सिंग। तो तब से मैं, I'm happy to say both the fathers have done very well. Congratulations. Thank you, thank you. कोई गिफ्ट well भी है कि खाली ऐसे ही सवाल पूछने दिया? बस ओके, थैंक यू मैम। अच्छा जैकी, हाउ वाज योर लॉकडाउन? लॉकडाउन में बहुत जूम मीटिंग्स और घर पे 8 बिल्ली है, तो 8 बिल्लियां रखी हैं आपने? हाँ। आपने रखी हैं, बिल्लियों ने आपको रखा हुआ है? एक्चुअली एक फैमिली है। सो स्वीट। तो वो बहुत अच्छा टाइम पास है। तो सैफ सर, आप क्या क्या फर्स्ट लॉकडाउन मैंने फ्रेंच और कुकिंग सीखी, सेकंड लॉकडाउन में बच्चा। Well done, sir. Well done. It's not very difficult. Yes, Kapil knows. Not difficult at all. 2 lockdowns, 2 babies. Yami, आपने लॉकडाउन में क्या किया फिर? पहले लॉकडाउन में तो जैसे सबने कुकिंग, सब शेफ बने हुए थे घर पर, योगा, पेंटिंग, स्केचिंग, रीडिंग, वॉचिंग, बहुत कुछ। मतलब मुझे लगता है नॉर्मल दिनों से ज्यादा बिजी होती थी लॉकडाउन। मुझे लगता है फर्स्ट लॉकडाउन वाज, सेकंड लॉकडाउन में शादी कर ली। वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों, लॉकडाउन जो है, अगर आप चाहते हैं कि तीसरी बार ना लगे, तो ये अब जिम्मेदारी जनता की है। yes. तो आप लोग जितना जल्द हो अपना वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट करें, दोनों डोज लें, और उसके बाद भी मास्क वास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, हेलो।
तिवारी तिवारी तू 10 मिनट वहां पे रुक, मैं पहुंच रहा हूं। हां एक मिनट जरा होल्ड कर। हां ये क्या कर रहे हैं आप? मैं दरवाजे पे ताला मार रहा हूं। आप भी घर से निकले ताला जरूर मारे, यहां बड़ी चोरियां हो रही हैं यहां पे आजकल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अरे यार तिवारी, आज पता नहीं हमारे मोहल्ले में बहुत सारे अमीर लोग एक साथ आ गए हैं, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। मैं करा सिटियल बैठ, देख लो पूरे आते हो तो बैठ जाओ। भूत पुलिस की कास्ट कर ले, जोरदार ताड़ियां हो जाए यार। वाओ वाओ, आई एम सो हैप्पी। और सैफ जी, आपको बेटा हुआ, आपको बधाई हो। थैंक यू। यामी जी, आपकी शादी हुई, आपको बधाई हो। थैंक यू। जैकलीन जी, आपको अच्छा सा लड़का मिले, आपकी सगाई हो। और उसके बाद मैं आपको मैसेज करूं और कहूं बधाई हो। ये देखा आपने साहब भाई, क्या लिख के रखा है उन्होंने अपने घर के बाहर, ये क्या बेहुदा चीज, क्या नीचे लिखी है? करेंगे कांड करेंगे आप, संभाल लेंगे हम संभाल लेते हैं। एनी केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू लेट मी नो, आई हैंडल इट। क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा वकील नहीं हूँ, मैं उच्च रोटी का वकील हूँ। उच्च रोटी नहीं, उच्च कोटी का होता है। नहीं नहीं, कोटी का होता है, लेकिन मैं एक आध रोटी के लिए भी केस हाथ में ले लेता हूँ। तो मैं उच्च रोटी का वकील हूँ। सैम जी, यू बी रियली हैप्पी टू नो कि मैंने लेटली मैंने ना एक भूत का केस अपने हाथ में लिया है। हाँ, आई एम वकील। अब भूतों का कौन होता है वकील? अच्छा, भूतों की पुलिस हो सकती है, भूतों का वकील नहीं हो सकता। व्हाट लॉजिक पॉइंट। और अच्छा हुआ सैफ जी, आप मुझे यहीं पे मिल गए, वरना इस भूत के केस के किलसिले में मैं आपके पास आने ही वाला था। किसके किलसिले में? मैं भूतों के केस के किलसिले में। किलसिले नहीं, सिलसिले। सिलसिले 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 होते नहीं है, तो सिलसिले बन जाते हैं। हाय। अच्छा आप ये हेडफोन उतार के नहीं देते? वैसे जैकलीन जी, आपको अपने किसी डायरेक्टर की फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी क्या कभी? नहीं मतलब आपने कभी किसी डायरेक्टर से शादी नहीं की, इसलिए पूछ रहा हूँ। वैसे इफ यू वॉन्ट, आई एम जस्ट गिविंग एन ऑफर, मैं भी आपके लिए एक फिल्म डायरेक्ट कर सकता हूँ। No Jackie, no, don't take the offer, Jackie. Don't do it. कर सकता हूँ। डायरेक्शन आता है आपको? नहीं, मुझे प्यार आता है। वैसे इसी मोहब्बत के चलते जैकलीन जी, मैं आपको एक पप्पी देना चाहूंगा। What? नहीं नहीं, अरे यार आप गलत मत समझिए, गलत मत समझिए, मैं लाया हूँ ये। ये वाला पप्पी मैं आपको देना चाहूंगा। ओह यार, वैसे पप्पी की कोई गलत बात नहीं है, इतना क्या आप रिएक्ट करते हैं? मेरे मम्मी पापा भी पप्पी करते थे। अच्छा। नहीं मतलब मेरी मम्मी मुझे यहाँ पप्पी करती थी, पापा यहाँ पप्पी करते थे। तो इधर वैक्यूम कौन कर गया आपका? हमारे गेस्ट परेशान होते हैं आपकी बातों से। नहीं नहीं नहीं, गेस्ट कभी परेशान नहीं होते, गेस्ट मेहमान होते हैं। तो मेहमान और गेस्ट एक ही बात होती है ना? हाँ, मेहमान और गेस्ट एक ही होते ना? अगर एक ही होते हैं तो आपने तीन क्यों बुलाए हैं? आपको सीरी से तो कोई बात समझ में नहीं आती क्या? यार मैं, I mean, I'm trying यार, it's a process. हर बात को समझने में वक्त लगता है, it's a process. It's all about practice, because practice perfect make man. What? Man the perfect man practice. Sorry? Making the perfect man practice is perfect. Practice makes a man perfect. ये होता है? होता होगा यार, पर तुम देख रहे हो मोटा आदमी इतनी कोशिश कर रहा है, करने दो ना थोड़ा। जैकलीन आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए ना। रिलैक्स हो गया, फाइन। जैकलीन जी, कल मैंने, दिल तो पागल है देखिए, आपकी बड़ी याद आई है। ओके, व्हाई, क्यों? ये तो दिल तो पागल है, मैं थी नहीं। हाँ लेकिन मेरा दिल तो इन्हीं के लिए पागल है ना। क्योंकि अब बाकियों ने तो भी डायरेक्टर से शादी कर ली ना। नहीं मैं एक चीज याद आ जाए, टेक्निकली आई वॉन्ट टू नो कि अगर आप डायरेक्टर हैं तो फिल्म पे फोकस करो ना यार, हीरोइन पे फोकस क्यों कर रहे हैं? अगर डायरेक्टर हीरोइन पे फोकस करेगा तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं सैफ जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू,
हीरो हीरोइन से शादी कर रहे थे, अब डायरेक्टर भी हीरोइन से शादी कर रहे हैं, ऑडियंस कहाँ जाए? तो हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, ऑडियंस इज लोनली। अच्छा वकील साहब, पेशेंस रखिए आप। यार पिछले 25 साल से पेशेंस और पेट यही लेके बैठा हूँ मैं, बस रख के बेकार की बातें कर रहे हैं, ऑडियंस के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, नोबडी। मैं सोच रही हूँ, डोंट वरी। हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ सो वेरी स्वीट ऑफ यू। तो आप किसी काम से आए थे यहाँ पे? अच्छा वो सॉरी मैं एक मिनट जरा सा पीछे हटिए, तुम क्या यार यहाँ पे इतनी देर से ऐसे खड़े हो? तुम्हारे काम के लिए मैं आया था। इधर आओ यहाँ से बातें कर रहे हैं आप? ये अपना ये भूत है। सॉरी मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं किया। अच्छा। I've got him with me. He's पिंचू अग्रवाल. He's Bhoot. He's my client. पिंचू सबको हेलो बोलो। हेलो पिंचू अग्रवाल। क्या झूठ बोलने वकील साहब, कोई भूत भूत नहीं होता है। आई विल शो दिस गाय दैट भूत। आई विल दिस मैन इज मैं रख दूं? नहीं नहीं, I don't want your help. पिंचू मुझे help करेगा। पिंचू मेरा ये पैर उठा के इधर रख। ए attitude क्या दे रहा है, रख ना। Now you see, very nice पिंचू, beautiful. Thank you. पिंचू, ये क्या कर रहा है? अबे नहीं, अबे पिंचू। वेरी गुड पिंजू, मैं तेरा केस लड़ी नहीं रहा, तू जा। ऐसा मारूंगा ना, भूत बना दूंगा। भूत तो तू पहले से है यार, सॉरी यू गो। तेरा केस मैं नहीं लड़ने वाला। हाँ गो 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 गो, एटीट्यूड मत दे, जा करंट लगेगा तुझे, जा। ओह I'm sorry, Pinchu is no more. That's okay. He went in the garden. He's gone now. Okay. वैसे सैफ जी, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मेरी हमेशा से दिल्ली ख्वाहिश रही है, दिल्ली क्या मेरी मुंबई की ख्वाहिश भी यही रही है कि मैं आपके साथ एक बार डांस करूँ। Oh. आप सैफ के साथ डांस करेंगे? मैं क्यों, बाकी हो गए तो डायरेक्टर से शादी हो गई ना यार। Oh my God. Thank you so much. मुद्दा मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, केस फाइल करो, तुम पेपर रेडी करो, चलिए मैं चलता हूँ, केस के सिलसिले में निकलना पड़ेगा। ओके थैंक यू चलो फाइल करो केस। So good. I'm definitely catch a chill. The puppy. Puppy देना चाहता हूँ। अच्छा साहब सर, खैर आपको इस बात का पता नहीं, पर इतना तो पता ही होगा कि जितने भी सेलेब्स हैं या जैकी या यामी, जब अपनी फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं। कभी आप क्रिएटिविटी देखना हमारी ऑडियंस की, तो आप लोगों के पास ऑब्वियसली टाइम नहीं होता है, तो हम लोग आपके लिए निकाल के रखते हैं, आपको लाइव यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कुछ कमेंट्स। जो ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे नहीं हो सैफ सर, तो आपकी फोटो के नीचे कमेंट्स नहीं होते। करीना भी डाल देती है कभी कभी आपकी पिक्चर, या आपकी पिक्चर कहीं किसी और भी सोशल पोर्टल पे हो तो उसके नीचे भी कमेंट्स आते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारे पास, हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये जैकी ने अपनी फोटो डाली है, योगिनी, नीचे लिखा है योगा को कोई ऊपर लेके गया है तो आप, बाबा रामदेव तो चटाई पे कराते रहते हैं। सैफ सर आपने कमेंट देखा? अरे कॉम, मैं तो अभी तक फोटो को घूर रहा हूं यार एक्चुअली। नीचे एक और है, अब यहां से ध्यान हटे तो हम अपना योगा करें। किसी ने लिखा है फर्श का पोछा सूख गया है, अब आप नीचे आ जाओ। कमरे के बीचों बीच खंबा लगा रखा है तो पंखा कहाँ लगा रखा है? अच्छा नीचे फैंस खुद भी एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं, अबे इनके घर में एसी होते हैं। I like that one. थोड़ा और ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर वाले फ्लैट में। एक दिन लिखा अब तो इस पोल में करंट भी आ रहा होगा। क्रिएटिव जी। और इंटरनेशनल योगा डे, करीना हैड पोस्टेड, सो नाइस। ये योगा ही है या करीना ने पनिशमेंट दिया है?
किसी लिखा है फंसाने से पहले निकालने वाले को बुला लेते. दिस इज कॉल्ड सैफ योगा. ओहो सैफ योगा. सैफ योगा. सैफ योगा. नेक्स्ट और भी और टीम. तैमूर. पापा मम्मी हमसे ये क्यों करवा रही है. सैफ. मैं तो पति हूं तू तो मना कर. किसी लिखा स्पेक्स पहन के योगा कौन करता है. नीचे लिखा है जिनको लगे होते हैं वो करता है. और भी है. ओके व्हाट्स ऑन दैट वर्कआउट. आपको एक्सरसाइज चाट पसंद है या पानी पूरी चाट. सच सच बताना आपको मेरी कसम है. मैंने बहुत ढूंढा इसमें आपका फोन नंबर नहीं दिख रहा है. नीचे किसने लिखा अब उनकी शादी हो गई है. शादी तो दीपिका की भी हो गई है अब क्या आंखें फोड़ लें अपनी. ये लास्ट वाला कपिल ने लिखा है लास्ट वाला. अरे नहीं नहीं ऐसे. नेक्स्ट. वाह राजू तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे. क्यों ना हो मास्टर जी ये पान मसाला नहीं खाती. मैडम आपकी जिम वाले कपड़ों में भी कितनी अच्छी फोटो आती है. हमारी तो शादी वाले कपड़ों में भी अच्छी नहीं आती. नीचे किसी ने लिखा तो तेरी शादी हुई कैसे. ये आपस में क्या करते रहते हैं. हाँ नीचे लड़ते भी हैं लोग आपस में ना. और भी हैं आगे दिखाइए. ओ टुक टुक कोलंबो नाइट्स. अच्छा बाद में पता चला रिक्शा है. किसी ने लिखा हमें जलाने के लिए फोटो डाली है सच्ची में रिक्शा आपका है. बहुत बढ़िया है. ओह हम तो एक एक घंटा हाथ देते रहते कभी ऑटो नहीं रुकती. किसी ने नीचे लिखा ऐसे कपड़े पहन के ट्राई करके दे. मुझे पिक कर लोगी चार बंगना सिग्नल पे खड़ा हूं. वाह डिमांड्स भी हैं. और फाइव स्टार में खर्चा करने के बाद लड़कियां ऑटो में ही जाती हैं. ओए ओए किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना. यूर्स योगेश. वाह ओ सैटरडे मूड मोरक्को. सच ए कूल पिक्चर. किसी ने लिखा ज्यादा शॉपिंग करवा दी क्या सर. सैफ बी लाइक 200 लड़की वालों की तरफ से 200 हमारी तरफ से 400 प्लेट बुक करनी पड़ेगी. अच्छा इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर दैट. थैंक्स मोरक्को. सर सोच रहे हैं मोरक्को आके भी खुश नहीं है अब कहाँ लेके जाऊं. खर्चा बहुत हो गया. अरे कोई ऑटो करा दो भाई. ये कब की फोटो है वैसे साहब. सर ये एजेंट विनोद. ओके आगे. एट पीस. अब पीस की जरूरत आपको नहीं आपके हस्बैंड को. That's so mean, yeah. Okay, you are looking so Goregaon. What does that mean? फिर उसने correct भी किया नीचे. Gorgeous. नीचे correct किया. Gorgeous. अच्छा you mean gorgeous. किसी लिखा you in peace. नीचे लिखा no she's in two piece. Oh. और? Oh लुकता. Oh no. I know. हील्स पहन के चला नहीं जाता तो पहनती क्यों. सर पकड़ लिया ना पहले कहा था कम पिया करो. ओहो अब ड्राइव मत करना. ड्राइवर बुला लो मेरा नंबर है. नीचे नंबर भी लिखा किसने. वाओ आगे. बेशर्म आदमी फोटो खींच रहा है ये नहीं कि लड़की को उठाए. अच्छा नीचे देखो मजेदार. जी मचलाना चक्कर आना खड़े खड़े गिर जाना खट्टी ढकार आना और पेट की अन्य विकारों से छुटकारा पाने के लिए मिले खानदानी दवाखाना स्टेशन रोड छोटा खड़ा धौला कुआं. ये सब नाटक है कि बिल ना देना पड़े. ये घर पे है. अच्छा ये एक्चुअली एक शू एड है. ओके plant more trees this word us day. This is easy to capture. Sir, it's a mess. कहते सर इतना ही खेती के बारे में जानते हो तो बताओ बैंगन में कीड़े लग जाएं तो कैसे बचाएं. तो नीचे रिप्लाई किया किसने.
दो बैंगन कीड़े खा जाएंगे तो तुझे क्या दिक्कत है? आपके खेत पे भी करीना जी रोटी लेके आती है। आगे अगर एक आदमी एक खेत 10 दिन में जोता है तो सैफ अली खान कितने दिन में जोतेगा? सैफ अली खान रजनीकांत है क्या? अच्छा रिप्लाई किया किसी ने, किसी ने लिखा जमीन की क्या रेट चल रही है आपके इधर? अबे जमीन की स्पेलिंग नहीं आती, तू क्या जमीन खरीदेगा, चल भाग। वाओ दूसरे बेबी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आपका पेपर में पड़ी थी, आपके पति की भी शादी हुई ली ना? अरे इनकी भी शादी हुई है। अच्छा इनकी भी हुई है? मेरी भी शादी हुई। हाँ मेरे को डाउट तो था, दोनों का साथ में फोटो देखा था। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू दीदी, यू आर वेरी नाइस। आई सी। और सैफ सर सब बढ़िया? वेरी नाइस। खैर यामी जी, मेरे को आपसे एक सवाल था। बोलो दीदी। दीदी पहली बार किसी ने बोला दीदी, ये तो मैं दीदी दीदी बोलती है। देखो ये होता है जब थोड़ा हो जाए ना और खुद रिलेशन बनाते हैं लोग। बहुत अच्छा लगा। अच्छा मेरे को आपसे एक सवाल था, जब आपके हस्बैंड ने आपको जब प्रपोज किया था तो आपने हामी भरी थी कि यामी भरी थी? प्रपोज ही नहीं किया था। नहीं किया था? किसने किसको प्रपोज किया? किसी ने नहीं किया, शादी हो गई। वैसे ही हो जाता है? ऐसे ही हो जाती है। मेरा कब होगा ऐसे? हाँ दीदी। खैर आपने हमको शादी पर तो बुलाया नहीं। हाँ। लेकिन आते आते हमारे लिए एक लड्डू ही ले आते, मेरे लिए कम से कम। दीदी शगुन तो दो पहले। देखो मैं पर्स भी लेके आई हूँ, कोई शगुन कोई कपिल कोई देता मैं नहीं। 3 साल से भीख मांग रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिया इसने। जैकलिन मैं तो आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत फॉलो करती है। हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप पोल डांसिंग करते है ना? जी। हाँ मैं भी पोल डांस करती हूँ। तू कहाँ पोल डांस करती है? हाँ हम विरार लोकल रहती ना फास्ट। हाँ। उसमें हमारा पोल डांस ही तो रहता है। सच्ची में आप लोग तो बड़े लोग ट्रेन ब्रीन में जाते नहीं है जी। वहां पर मैं चर्च गेट से जब चालू होती है तो सबसे पहले हमारा ट्वर्किंग चालू होता है। फिर उसके बाद जैसे दादर आया और पब्लिक इधर से आई तो पहले ये पोल डांस, फिर इधर चालू रहते हैं, फिर उसके बाद जैसे माटुंगा आया इधर से पब्लिक आई इधर से चालू हो जाता है, ऐसा रहता है। नेक्स्ट स्टेशन आता है फिर? नेक्स्ट स्टेशन कुछ नहीं, ये रहता है, ऐसा रहता है। क्योंकि उधर क्या रहता है, तेरे जैसा थोड़ी रहता है, आइए प्लीज बैठिए इधर विराज में, उधर तो यार मैं जाएगी पहले, हट गए मैं जाएगी पहले, ऐसा रहता है ट्रेन का तो। माय गॉड। एक एक जोक के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुपर। अच्छा आप ब्रदर्स में भी थे ना? जी। हाँ ब्रदर्स का भी मेरे को ऑफर आया था पहले मेन रोल के लिए। तो किया क्यों नहीं फिर? ओ मेरे को किसी आदमी ने सिस्टर बना लिया। किसी ने सिस्टर बना लिया फिर। लेकिन अच्छा हुआ मैंने ब्रदर नहीं की। जी। हाँ सिस्टर में ज्यादा पैसा है। आपकी भूत पुलिस पिक्चर बहुत कमाल की। आपको मालूम है अर्चना जी को भी एक दिन भूतनी चिमट गई थी? अरे सच्ची में हमारा एक दिन लेट पैकअप हुआ था सर। ये मडलैंड गई, सामने भूतनी आ गई, कितनी जोर से चिल्लाई थी भूतनी, मैं आपको बता नहीं सकती। भूतनी इनको देख के घबरा गई, इनके बदन में घुस गई। अच्छा। परमित जी को कितना टेंशन हुआ था, माय गॉड। परमित जी हस्बैंड वो पूरा तांत्रिक वांत्रिक और सब झाड़ वीडियो सब लेकर आ गए, फिर ये आदमी की आवाज में बात करने लगी। फिर मैंने देखा परमित जी रिएक्शन ही नहीं दे रहे। मैंने बोला आप देखो तो सही, बोले नहीं घर में कभी कभी करती है आदमी के जैसा बात, लेकिन ये क्या हो गया? फिर जब इन्होंने चीजें तोड़ना चालू किया ना तब पता चला इनके अंदर भूतनी है। माय गॉड 3-4 घंटे लगे ऐसा निकालने में, तब जाके 99% भूतनी निकली है इनके अंदर से। बाकी 1% वो तो सुनते ही है ना। वो वही है। मैं आपको बता रही है 99% वो भूतनी का वीडियो निकल गया, 1% का ऑडियो रह गया अंदर। ये तू करने के आई इधर?
एक्चुअली भूत पुलिस है ना सैफ सर है ना भूत पुलिस है सब लोग तो हमारे इधर इंडिया के भूत लोग है कप्पू उन लोग का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है तो बोले पुलिस वाले आए तो वो सॉल्व कर सकते हैं हमारा प्रॉब्लम मैं बुलाती हूँ उनको हाँ सर बुलाऊ मैं आ जाओ भूतरे इतना टाइम नहीं होता आ जाओ टाइम क्यों ले रहा है इस आदमी के बाप तुम तो ऐसे कर रहे हो शाहरुख खान एंट्री ले रहे इतना क्या टाइम ले रहे आप जल्दी आने का हमारे इधर समझा सर हैव यू बीन टू एमबी वैली यस है ना उसके आगे ज़ोंबी वैली है वहां से और ये कहां से तू भूतनेश्वर से सर भूतनेश्वर इतना बड़ा शो पे आए हो तुम लोग कप्पू के ड्रेसअप करके आना चाहिए ना ये क्या हुलिया बना रखा है वो भी तैयार होके आती है ना नहीं नहीं मैं आपको नहीं अर्चना जी मैं वो पीछे वाली को बोल रही थी हाँ अर्चना जी आपसे तो हम प्यार करते हैं ऐसा आपको लगता है नहीं 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 ऐसी बात नहीं अर्चना जी हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं भगवान ऐसा पब्लिक को लगता है नहीं ऐसी बात नहीं अर्चना जी हमने जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा है ऐसा कभी सोचना भी मत नहीं नहीं मैं क्या बोल रही हूँ अरे नहीं ऐसी बात नहीं आपको मालूम थैंक यू मैं सच्ची बताऊँ हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं कप्पू मैं अर्चना जी कितने साल हो गए ना मैं सच्ची दिल से एक बात बोलूँ कप्पू और मैं आपके लिए जान भी दे सकते हैं आगे यार झूठ मेरे से बोला ही नहीं जाता कि मैं फिर छोड़ो ओ गॉड हाँ सैफ सर आए यामी जी आए हैं जैकलीन अपना प्रॉब्लम बताओ तुम पहले बताओ बाबा तुम बताओ क्या है प्रॉब्लम अरे हम लोग उधर नहीं इतना परफॉर्मेंस मत दे नॉर्मल बात हाईवे पे खड़े रहते हम लोग को कोई लिफ्ट ही नहीं देता हाईवे पे खड़े रहते किसी दिन ट्रक ने ठोक दिया ना तो फिर से मर जाएगा क्या हाईवे पे खड़े रहे ये क्या प्रॉब्लम है जेन्युइन प्रॉब्लम बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है अरे हमारे पैर सीधे करो हमें देखने होते हमने कौन से जूते पहने तुम्हारी लाइफ में लॉजिक है कि नहीं पैर का एको सीधे करवा तेरी मुंडी घूमती है ना तो घूम के ऐसा देख लेना पीछे अच्छा मेरे को तुम लोग को पूछने का था तुम लोग क्या साबुन बेचने का काम करते हो क्या नहीं तो तो फिर जब हीरोइन लोग नहा रही होती तभी क्यों आते हो वो तो गया तुम लोग का चलो भागो इधर से बस हो गया सपना हो गया तेरा हाँ हो गया तेरा तू भी निकल चल नहीं नहीं कप्पू मेरे ना सैफ सर आए ना तो मेरा एक सर मैं एक परपोज लेके आई थी नहीं परपोजल सॉरी हाँ हम लोग नाला सोपारा में अलग अलग फिल्में बनाते हैं यू नो नाला सोपारा हैव यू बीन आपने बताया था लास्ट टाइम बताया था हाँ जी बहुत बड़ी जगह है इंडिया में ही है अच्छा हाँ. मैं पूछने वाला था इंडिया में है इधर ही इंडिया में तो हम लोग उधर ना भोजपुरी पिक्चर बनाते हैं अलग अलग टाइप का तो अभी आप प्रोड्यूसर भी बन गए हाँ. तो मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट थे तो मैं चाहती हूँ आप ओटीटी पे करें अभी ओटीटी पे आप बहुत सैफ सर क्या काम कर रहे हैं मस्त कौन से सब्जेक्ट है तेरे पास हमारा करंट टॉपिक पे हम लोग एक भोजपुरी पिक्चर बना रहे हैं उसका टाइटल है भैया चलाए मशीन और भौजी लगाए वैक्सीन दीदी बस दीदी बस ये झूठ बोलती है सर कोई फिल्म नहीं इसके बाद चल मसाज करो निकल तू अच्छा मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है सर आप लोग के लिए अभी आए हैं तो आपकी मेरे को पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी कॉकटेल तो कॉकटेल मसाज है इसमें क्या होता है इसमें हम कस्टमर को तेल लगाते हैं सर Where is this going? और फिर एक मुर्गा उसकी छाती पे बिठा देते हैं मुर्गा मतलब कॉक और फिर वो कॉक अपनी टेल से मसाज करता है ऐसा कॉक टेल मसाज है खैर सर मेरे जाने का वक्त आ गया सर हमारे पास बहुत कस्टमर लोग आते हैं ना वो टीनू आनंद यू नो टीनू आनंद एक्टर वो मेरे पास मसाज के लिए आए थे अच्छा। मैंने उनको इतना अच्छा मसाज किया कि उनको आनंद आ गया तो जब आनंद आ गया तो आनंद पहले से था तो दो आनंद हो गया उनके पास में
अरे मैं कंफ्यूज हो गई और आनंद फानन में जाते जाते वो मेरा आनंद ले गई, क्योंकि मसाज मैंने की थी, मेरी मसाज पे आनंद आया था, वो वाला आनंद लेकर अपना वाला आनंद छोड़ दिया। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, जब मेरे को आनंद आता है तो उनका आनंद आता है। आनंद एक्सचेंज होगा, उसके बाद फिर आनंद आएगा। कुल मिला के मैं क्या पूछ रही है सर, आप लोगों को आनंद आया कि नहीं आया? आया, लेकिन नहीं आना चाहिए। आप सैफ अली खान है, सैफ आनंद अच्छे नहीं लगेंगे सर, मैं बता रही। खैर मैं जब चलती हूँ। सैफ, तुमने भूत पुलिस में तो काम किया, तो तुम भूतों में बिलीव करते हो? डिपेंड करता है, नॉर्मली यहाँ बैठे हुए मैं कहूँगा नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी जब लाइट ऑफ होती है, अंधेरे में कोई पुरानी खतरनाक जगह ऐसे होती है। Like a girl then? I think I have once or twice. Oh, पर ऐसा बोलते हैं ना सर, वो हवेलियों में बोलते ज्यादातर भूत आते हैं, तो आपकी तो हवेली भी है गाँव में इतनी बड़ी, कभी आप गए हो वहां पे, आपको डर लगा? बचपन में मुझे बहुत डर लगता था भोपाल में, भोपाल में एक हवेली थी जी, वो बहुत पुरानी थी तो डर लगता था। अभी नहीं, अभी कम लगता है। आप बिलीव करती हैं जैकलिन भूतों में? नहीं, क्योंकि कभी देखा नहीं तो बिलीव नहीं। वो दिखते भी नहीं है। जैकी हमारी ना अभी तो आप अब आई हैं, पहले पहले जब हम छोटे थे तब वो आती थी ना वीराना, दरवाजा, पुरानी हवेली, राम से एक चौकीदार आता था ना लेके, 40 साल हो गए इस हवेली में, कोई जिंदा नहीं बचा, तू कैसे बचा फिर? और एक्चुअली भी होता था सर, हमारी जो हीरोइन होती ना बॉलीवुड की, वो खुद इनवाइट कर दी भूत को, ये रात को 12 बजे शॉवर लेना शुरू कर देंगी, फिर सो जा चुपचाप, कहीं जाना है शावर लेती, भूत भी कहता है शावर ले रही है, अभी जागेगी एक डेढ़ घंटा, तो मैं भी चलता हूँ, तो चले जाते थे। और हमारी फिल्मों में हमेशा दिखाते ना एक बुढ़िया सफेद बाल वाली रो रही है, हाँ। तुम तो भूत नहीं हो, तुम क्यों रो रही, एंजॉय करो। बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं, बड़ा मजा आता है ना फिल्में देख के, चंडाल का बदला, बहुत मजा आता, पुरानी हवेली, हाँ, जानी दुश्मन, हाँ, मतलब फन। सर मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमेशा हमारी फिल्म में भूत को हंसता हुआ दिखाते हैं, वो हमारा शो देख रहा होता है? लेकिन कई हॉरर कॉमेडीज में मैं देख रहा हूँ कि भूत थोड़ा सिमिलर लगता है ना, आई थिंक इट्स द सेम एक्टर। यामी आपने भी देखा होगा, लंबे मुंह वाला, लंबा सा आदमी, बहुत लंबे हैं, कब्रिस्तान में रहते थे वो, है ना, जो प्रैंक्स करते ना, एक मुझे अजय देवगन की याद आई ओमकारा के वक्त, उन्होंने कहा कि एक आदमी को एक दूसरे आदमी के कंधे पे बिठाते हैं हम, तो उसकी हाइट कुछ 9 फुट की हो जाएगी, और उसको एक शॉल पहनाएंगे और उसको यहाँ जंगल में खड़ा रखेंगे, तो ये जो लड़कियां जॉगिंग करने जाती हैं रात को, उनको डर लगेगा। जो फैंटास्टिक आइडिया, डिड यू डू इट? या, इट वाज बिग हिट, सबको डर लगा, फॉर यू गाइस, नॉट फॉर द गर्ल्स आई एम श्योर। वो तो आई थिंक दोनों लड़कियों ने फिल्म छोड़ दी। अच्छा, आज भूत पुलिस की स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है, तो हम अपने दर्शकों को एक, हम लोग तो आपको पता मस्ती मजाक में, एक भूत और चुड़ैल का ऑडिशन करना है हमें। भूत और चुड़ैल? हाँ। तो आप में से जिसको लगता है कि वो भूत और चुड़ैल का ऑडिशन दे सकते हैं, हाथ खड़ा करके, 1 2 3 4 आइए आप मंच पे आइए। फैंटास्टिक, हाँ, बड़ा मजा आएगा भूत और चुड़ैल का ऑडिशन। नमस्कार, आइए। तो माइक आपके हाथ में, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हाय कपिल सर। हेलो एवरीवन, आई एम मनीष। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। थैंक यू सर। मैं एक लेडी डायन का रोल कर रहा हूँ जो पेड़ पे रहती है। अच्छा। वो अपने गांव वालों से बहुत नाराज हैं क्योंकि वो गांव वालों ने उनका प्यार उनको पाने नहीं दिया। अच्छा। वो पेड़ पे ही रहती है और पेड़ के नीचे से जो भी बंदा जाता है वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इट्स अ बेटर प्लॉट देन आज, इट्स सो गुड। आप थोड़ा आगे आ जाइए, यू आर द परफॉर्मर। जी सर। गांव वालों, आप लोगों ने मेरा प्यार होने नहीं दिया, अब मैं इसके शरीर में जाऊंगी और इसको पाकर रहूंगी। वाह, ये कैसे किया आपने? मुंह से किया इन्होंने अभी। मनीष जी, ये डायलॉग आपने खुद ही लिखे हैं? कपिल सर के सोच से ही प्रकट हुए। कहां, हम भूत चुड़ैल हैं? नहीं, चुड़ैल नहीं है। आप वैसे क्या करते हैं मनीष जी?
मेरा गारमेंट का बिजनेस है, लेडीज गारमेंट्स। अरे लेडीज भूत भूत भी इनके पास लेडीज वाला ही है। लेडीज गारमेंट का बिजनेस, ऐसा इतना इंटरेस्ट क्यों आपको लेडीज में? बस आपसे ही सीखा है सब कुछ, इन्होंने यहीं से सीखा है। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए। थैंक यू। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते। कहाँ से आई आप? हाँ, मैं बोरीवली से आई हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? नैना जोशी। ठीक है नैना जी, आप क्या कैसे? मैं मेरी सोतन के लिए भूत बनी हूँ। मेरे मिस्टर ने और मेरी सोतन ने मुझे निकाल दिया तो मुझे भूत बना पड़ा। अच्छा ये उंगली आप अर्चना जी की तरफ क्यों कर रही थी? सॉरी सॉरी मैडम। नैना जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई साहब। वेरी गुड, ग्रेट। हेलो अभी सर, सर मेरा नाम शेख नुमान है जी। कहाँ से हैं आप? बेंड्रा। तो ना सर, मैं भूत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी बताइए। जैसे कि मेरी हवेली थी, आप हवेली बैठना चाहते हैं? बैठ जाओ, थकावट तो नहीं हो रही ना? अच्छा, तो आपकी हवेली किसी ने लूट लिया। आपकी हवेली? हाँ, किसी ने लूट ली। बैंड्रा में कौन सी हवेली होती है? बैंड्रा में तो फ्लैट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो फिर मैं भूत बन गया। तो मैं भूत कैसा बना मैं आपको बता दो। अच्छा अच्छा जी, देखो क्रिएटिव ऑडियंस हमारी। तूने मेरी हवेली लूट ली, क्यों लूटी बता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अच्छी आवाज निकाली आपने। आइए मैम, आपकी बारी है जी। तो क्या करना चाहती हैं आप? मैं एक हवेली की मालकिन हूँ। अच्छा, इन्हीं की हवेली है? इज दिस द रोल? नहीं, मतलब मैं पहले, मतलब मैं मर के आई हूँ ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। शुरू हो गया। शुरू हो गया। सॉरी सॉरी। ओ, तो मेरा कैसे ना, मैं हवेली में रहती थी, वहाँ मेरे बहुत चोर आए, कोई और लेके चले गए पूरा। मैं उनका पीछा करते करते और भागने लगी उनको पकड़ने के लिए, और पकड़ते पकड़ते उनको पकड़ी तो नहीं, लेकिन अपने हवेली से गिर गई और मैं एक भूत बन गई। मैं एक अभी आप करेंगे ना शुरू? अच्छा शुरू हो गई है आपके? हाँ शुरू हो गई। वैसे हंसी निकल गई आपकी? ऐसी हंसी निकल गई सर मेरी। फिर क्या हुआ? जो मेरी हवेली पे कब्जा करता है ना, हाँ, मैं उसको छोड़ती नहीं। अच्छा। और मैं उसके उसमें प्रवेश कर लेती हूँ। हाय दैया। हाँ, और जो कोई भी मेरी हवेली के ऊपर नजर डालेगा, हाँ, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा। तो मैं आपको एक आदमी का नंबर देता हूँ। उनकी कुर्सी किसी ने छीन ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम नहीं बताया आपने अपना? सुनीता बंसल। आइए आइए प्लीज। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, हमारे एक गांव के छेड़ूलाल जी हैं। अच्छा। थोड़े डिस्टर्ब बड़ा करते हैं वो, उनको मैं यहाँ पे आने नहीं देता, तो वो वीडियो कॉल से थोड़े सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि जैकलिन, सैफ और यामी से मैंने सवाल पूछने हैं, थोड़े बदतमीज से ही, बट या प्लीज। हेलो छेड़ूलाल जी। अच्छा सैफ साहब। ओए तेरी। सबसे पहले तो तैमूर और छोटे वाले को मेरा बहुत बहुत प्यार देना, क्योंकि करीना के बारे में बोलूंगा तो आप बढ़ जाओगे। और यामी, आपकी तो नई नई शादी हुई है जी। आपको तो प्यार मिल ही रहा होगा। और जैकलिन, तुम चाहो तो मुझे फ्लाइंग किस फेंक सकती हो। अच्छा सैफ साहब, जब आपके बच्चे कभी रोते हैं, बच्चे रोती हैं, तो आप उनको हमारी तरह अले ले 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 करके चुप कराते हो कि ओले ओले ओले। अच्छा सैफ साहब, आप नवाब हो तो आपके यहाँ खाने में जो कबाब होते हैं
वो टुंडे कबाब होते हैं कि मुस्टंडे कबाब होते हैं? सब वेजिटेरियन है, कबाब ही नहीं खाते हैं। और अच्छा जैकलिन जी, आपने पहले रेस टू करी फिर रेस थ्री करी, तो आपको मैंने देखा है भागने का काफी शौक है, तो शादी आप खड़े खड़े करोगी कि वो भी भाग के करोगी? अच्छा जैकलिन जी, आप वैसे सच में काफी लीन है जैकलिन, तो मैं तो कहता हूँ कभी हमारे गांव आओ, आपको खिला खिला के जैकलिन से जैकपॉट ना कर दिया तो मेरा नाम चिड़ू लाल नहीं। यामी जी, जब आप कभी कभी प्यार से अपने पति के लिए कुछ बनाती हैं, कभी बनाती रही ना खाने को प्यार से, तो वो खाना खा के यमी बोलते हैं कि यमी? सैफ सर, हमने अभी पिक्चर में देखा आप कुछ तो खेतों में कर रहे थे, और यामी भी हिमाचल से हैं, इन्होंने भी खेती बाड़ी बहुत देखी है, आपके भी वहाँ खेतों में आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी, तो मैं आपको कुछ सर लेडीज फर्स्ट, तो मैं इनसे शुरुआत करूंगा। आपको साउंड निकालनी है जो भी आपको लगे, जैसे कई बार होता है ना कि हम खेतों में बैल को हल चलवाना है, वो परफेक्ट ऐसे ही निकालते हैं एक्चुअली। वाओ, क्या बैल होता ना, बैल द हस्बैंड ऑफ भैंस, आई मीन बैल को क्या बोलते हैं श्रीलंका में? अच्छा ऑक्स, तो क्या करना उसको? चलाना है, चलाना एक साउंड, साउंड निकालना पड़ता है। शू इज डॉग अटैक इंग्लिश में, इट शुड बी हर। अर्चना जी कैसे? चल चल कपिल, चल चल चल, नहीं भाई इनका इनका तो तबेला है ना, इसलिए इनको मालूम है। चलो ओके, नाउ आई विल कम टू मिस्टर सैफ। मुर्गियों को दाना डालना है और बाद में दाना डाल के पकड़ना है उनको, ठीक है? तो कैसे दाना कैसे डालेंगे? दाना कैसे डालेंगे ऐसे? और पकड़ेंगे कैसे? तो दाना डाल दिया है हाँ, तो फिर मुर्गी को मुर्गा पकड़ेगा। मेरे मुर्गे रखे हैं, ये मुर्गी, मुर्गी के पीछे ये आवाजें मैं नहीं निकाल सकता यार, भुर भुर भुर, मुर्गे रख लो वो पकड़ लेंगे। और खेत में आप हल जोत रहे हैं और बैल को अपनी साउंड देके कुछ बोलना है कि चलो खेती करते हैं, तो क्या साउंड निकालेंगे? कम ऑन डेविड, लेट्स डू सम खेती। डेविड, डेविड कौन है? हमारे सब गाय भैंस के मतलब हमने नाम रखे हैं अच्छे से, तो डेविड नाम का एक बैल है। और गाय को जैसे मान लो आपको सामने आ गई खेती करते करते हटाना है या चारे के लिए बुलाना है, तो गाय को क्या बोलेंगे? शीला प्लीज मूव। शीला, शीला गाय का नाम शीला रखा है। वाओ नाइस। आई हैव अ नंदू एट अ फार्म। नंदू बैल, नंदू द बैल, सो क्यूट। यू हैव टू कीप नेम्स राइट? या आई हैव जेनी द गोट। या What Jenny the goat? अब सारी कहानियां आ रही हैं बार। पर आपको पता है ना, बोलते हैं ऐसा कि बकरी का दूध जो होता है बड़ा बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है, सबसे हेल्दी। हाँ, सबसे हेल्दी है। आपने दूध पिया अपने बकरी का या सिर्फ दोस्त है? मुझे ना फिर मजा आने लगता है, बंद नहीं होता। जोरदार तालियां हो जाए सैफ जी के लिए, जैकलिन के लिए, हमारी यामी के लिए। अर्चना जी नमस्कार। सैफ सर, ये हमारे गांव के दूर के चाचा हैं, फालतू ऐसे बोलते रहते हैं मैंने बड़ी फिल्मों में काम किया, ये मैंने कभी देखा तो है नहीं इनको। गाते बहुत अच्छे हैं लेकिन यहाँ कदर नहीं है सर। जो बंदा खुद गाता हो तो दूसरों को फिर कभी दिखे तो है नहीं, आप फिल्मों में झूठ क्यों बोलते रहते हैं? आप मुझे नहीं सर, दिखता क्या है कि मजबूरियां होती हैं अपनी अपनी, मुझे मिलते हैं लीड रोल और वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि उसमें फिर बड़ी मुश्किलें, स्टार बन जाओ फिर कभी प्रमोशन वहां कभी वहां, बिजी। अब देखो ये यामी शादी हुई है, ये समय है हनीमून पे घूमना फिरना एंजॉय, यहाँ फिल्म सिटी बैठ के इंटरव्यू देनी पड़ती। मैं समझता हूँ स्टार बन के बहुत पंगे हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गया, बहुत बहुत मुबारक शादी की, और मैं माफी भी चाहता हूँ कि हमारा परिवार वहां नहीं पहुंच पाया, हालांकि हम बिल्कुल तैयार थे, गाड़ी में बैठ गए, वो ड्राइवर की वजह से नहीं आ पाए। ड्राइवर नहीं आया था? नहीं ड्राइवर आया, कहता इनविटेशन नहीं आया सर, आपको नहीं जाना चाहिए। तो फिर मुझे भी उस वक्त ये रियलाइज हुआ, मैं कहा नहीं यार इस ड्राइवर को निकालो क्योंकि नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, इनविटेशन आए ना
हम किसी स्टार की शादी पे जाएं ना, ऐसा थोड़ी होता है। हमने अपना भी देखना है। सर ये नहीं है कि आप सामने बैठे हो, मैं सच कह रहा हूँ, जब अपने लोग तरक्की करते हैं ना तो मन खुश होता है। आप कब से इनके अपने हो गए? नहीं नहीं मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मेरा भांजा बबलू है, डिप्लोमा उसको मिला है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं अपना पन होता है ये चीज। सर आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट, एक सेकंड सर, सर एक फोन ले लूं? प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो, वो जो लाख रुपए वाला फोन मुझे पसंद आया था वो एक ले लो, उन्होंने बोल दिया एक फोन ले लो। नहीं नहीं नहीं, पैसे पैसे दे देंगे, अरे दे देंगे सर, हाँ हाँ। सर ये मैंने कपिल को बोला एक फोन ले लूं तो मना करता, आप स्टार स्टार होते हैं। सर ओके ना, आपकी बात, चलो आप अपने घर वापस जाओ, चलो। वाह कपिल, चाचे की जो बेइज्जती की है ना तूने आज इनके सामने, वाह ये देखो चाचे की इज्जत। अर्चना जी ये झूठ बोल रहे, कोई चाचा वाचा नहीं है, ये मेरे दादाजी के यहाँ नौकरी करते थे सर, तो ऐसे चाचा चाचा प्यार से बोलते थे। वाह कपिल यार, ठीक है ठीक है, हम नौकरी करते थे, वो हमें नौकर समझते होंगे, हमने कभी उनको मालिक नहीं समझा। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। अच्छा। हमने तो कमाल, एक मिनट तालियों में मेरा पंच दब जाता है। और इसमें इतनी हंसी वाली बात भी नहीं थी। नहीं हमने कभी भेदभाव नहीं किया, हमने कभी ये नहीं सोचा इनके कपड़े नहीं पहनने, इनकी तिजोरी से पैसे निकालने, इनके बेड पे नहीं सोना, हम तो वैसे ही रहते थे। कमाल यार, कुछ नहीं। चाचा कोई ढंग की बात करो यार। ढंग की बात, चलो जैकलिन आई लव यू। व्हाट चाचा जी, अरे पूरी बात तो सुन लो, ये मेरी फिल्म का टाइटल है, मैं पहले बता दूं। एक मूवी बना रहा हूं, अगर आप उनमें काम कर दें तो मेरी जिंदगी बन जाएगी और मूवी बहुत अच्छी है। ये फिल्म के बहाने ना फ्लर्ट कर रहे हैं, कोई मूवी मूवी नहीं होती इनके पास। कपिल एक बात, आपको लगता है भाग जाएगी आपको कोई भी हीरोइन? एक बात बताऊं, कुत्ते जब गाड़ी के पीछे भागते हैं जरूरी नहीं कि उन्होंने गाड़ी खरीदनी होती है, फिर भी भागते हैं ना। तो मैं भी वही कर रहा हूं। मुझे करने दो, क्या पता मेरी फिल्म में काम कर ले, मेरी जिंदगी बन जाए। तो स्टोरीज भी तो चाहिए उसके लिए। हाँ। बजट होना चाहिए, बजट कितना? सर मैं गाने सुना देता हूँ, स्टोरी सुना देता हूँ, मेरी स्टोरी बहुत अच्छी है। बजट कितना है? बजट 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 की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2000। 2000 में कौन सी फिल्म बनती है? अरे मोहब्बतें बनी 2000 में, है जी? आपने हेरा फेरी बनी 2000 में, जोरू का गुलाम बनी 2000 में, कितनी फिल्में 2000 में बनी, कैसी बातें कर रहे हो आप? प्लीज सर रख लीजिए, थैंक यू। अच्छा वैसे दो, अभी 2021 चल रहा है ना, लेकिन चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया, हाँ जी, अभी अभी क्या है, हाँ जी नकली है नोट, चलो कोई बात नहीं, फ्री कर दो। तो सर ये अच्छा, आप मेरी फिल्म के एक बार गाने सुन लो, क्योंकि आजकल गाने अच्छे हों तो फिल्में चली जाती हैं। अगर आपको मेरे गाने अच्छे लगे तो स्टोरी आपको पसंद आ जाएगी, ठीक है सर? मैं सुनाऊं? सुना दो। मेरा गला थोड़ा साफ नहीं है, किसी के पास झाड़ू होगा? झाड़ू से गला कौन साफ करता है? हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, झाड़ू से जमीन साफ हो जाती तो हमारा गला साफ नहीं होगा, कैसी बातें कर रहे हो। चलो मैं ऐसे साफ कर लूं। Oh God, गला साफ। पहली बार नया कुछ कोशिश की है। फिल्म का गाना सुनाओ चाचा जी यार। अच्छा फिल्म की सिचुएशन। अच्छा अच्छा हाँ सर, सिचुएशन ये है कि एक गाने का जो है शादी का माहौल है, खूबसूरत लड़कियां हैं और पहली नजर आपकी यामी पर पड़ती है। अच्छा फिर ये आपके पास आती है होले होले और कहती है ये जो शादी हो रही है ना यहाँ मेरी हो रही है, तो आपका दिल टूट जाता है। फिर आप वहां से निकलने लगते हो तो एक हसीन चेहरे पर आपकी नजर पड़ती है, वो है जैकलिन। अच्छा तो आप इसको जो एक सेकंड पहले दिल टूटा था उससे आवाज निकलती है और ये डर जाती है, इसके भाई बहन खड़े हैं, सोचने लगती है, वहीं खड़ी रहती है, तो आप इसको कहते हो, फिर ये मुस्कुरा देती है और आप खुश हो जाते हो, माहौल वहीं थम जाता है, जाम उठने लगते हैं, फिर सबके दिल से एक ही आवाज आती है, चक दे टोलिया नप दे किली ताली बजा, फिल्म देख के आओ। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू सुपर्ब सर, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, थैंक यू। आइए सर एक बार जोरदार तालियां मिस्टर सैफ अली खान, यामी गौतम और जैकलिन फर्नांडिस के लिए।
Jacqueline, Saif sir, Yami, thank you so much for coming. Thank you. It was a lot of fun talking with you. Very nice. And for your film, it's a congratulations. For your coming all the films, it's a lot of congratulations. Thank you, best wishes. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you all. Thank you.